हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों फिर से आ गए हम टोहाना बस स्टैंड पर, और आज हम जर्नी करेंगे टोहाना टू बरवाला की। और जो ये बस है दोस्तों, हरियाणा रोडवेज की फतेहाबाद डिपो की बस है, पिंक जो बस मिनी बस आई है उस बस में हम आज की जर्नी करेंगे अपनी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और दोस्तों हमारी बस टोहाना बस स्टैंड से बाहर निकलकर अब इसार की तरफ जा रही जय है, श्री श्याम। और हमारी बस टोहाना से बरवाला वाया बीटवाड़ा समैन होते हुए जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों समैन गांव में पहुंच चुके हैं हम। इस टाइम समैन गांव में आ चुके हैं भाई। फिलहाल दोस्तों समैन गांव से बिठमिड़ा गांव तक आपको ऐसे ही टूटे फूटे रास्ते ही मिलेंगे गांव में। दोस्तों वैसे मुझे टोहाना से बरवाला ना आकर फतेहाबाद होकर आंसी आना था, लेकिन फतेहाबाद में आई हुई बाढ़ के कारण हम वहां पर ऐसा आ नहीं सके। वो क्योंकि वहां पर सारे रास्ते बंद थे, जिस वजह से हमें टोहाना होके बाया बरवाला होना के आना पड़ा। और भाई दोस्तों अगर टोहाना से बरवाला की दूरी की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। लगभग वन लेन रोड है टोहाना से बरवाला के बीच। भाई दोस्तों सारी तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। भीमवाड़ा गांव में पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल। ये भीमवाड़ा गांव की तरफ जाता है रास्ता। रोड देख लो भाई कितने खराब है गांव के, हर तरफ टूटे फूटे रोड मिल गए इस टाइम। हाँ
रोड की बात करें तो काफी टूटे फूटे रोड है इस गांव की तरफ। और दोस्तों हमारी बस थोड़ी ही देर में इस वन लेन रोड को छोड़कर फोर लेन रोड पर चढ़ने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट भी करके बताएं। अब हम सुरजेवाला मोड पर पहुंच चुके हैं। यहां से आपको नरवाना जाने के लिए भी रास्ता मिल जाता है। और भाई दोस्तों यहाँ से बरवाला शहर की दूरी मात्र 16 किलोमीटर रह गई है। दोस्तों हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब ने व्लॉग में आने से मना कर दिया निजी कारणों की वजह से, इसलिए हमने इनको व्लॉग में नहीं लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो वैसे ये कैथल चंडीगढ़ हाईवे है और आप यहाँ से कैथल चंडीगढ़ जा सकते हैं और हिसार को भी जा सकते हैं। दोस्तों अब हमारी बस सीधी हाईवे पर ना जाकर गैबीपुर विलेज की तरफ मुड़ जाएगी वो, क्योंकि वहाँ पर इस बस का स्टॉपेज है।
और दोस्तों आप अपने भाई के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ से बरवाला शहर की दूरी 2 किलोमीटर की रह गई है और हमारी बस सीधी हाईवे पर ना जाकर लेफ्ट की तरफ चली जाएगी और बरवाला शहर के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। और ये जो लेफ्ट को रोड जा रहा है ये बरवाला को चला जाएगा और जो सीधा जा रहा है रोड वो ही शहर को चला जाता है और हमारी बस अब बरवाला शहर में एंट्री कर रही है। बरवाला शहर में हम पहुंच ही गए हैं लेकिन बरवाला शहर में जो मेन समस्या है वो सड़कों की है। काफ़ी टूटी फूटी सड़कें हैं बरवाला शहर में, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। और पानी भराव की समस्या भी बहुत आती है यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो। दोस्तों ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है वो हांसी शहर को चला जाता है और जो सीधा रास्ता जा रहा है वो बरवाला बस स्टैंड की तरफ होता हुआ आगे हिसार चला जाता है। लो भाई भाइयों, बरवाला के बस स्टैंड पर हम पहुंच चुके हैं। ये है बरवाला का बस स्टैंड और आपको यहां से बरवाला से अग्रोहा, बगरवाला से उकलाना, जींद की बस मिल जाएगी। ये फिलहाल भाई बरवाला बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं हम। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रख